कुक विद मंजू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ नवरात्रि स्पेशल साबूदाने के लड्डू, जो कि हम व्रत में खा सकते हैं और नॉर्मल टाइम में भी बना सकते हैं। उसके लिए हमने लिया है एक बाउल, और ये साबूदाना सबसे छोटा वाला, आप बड़ा वाला ले सकते हैं। बड़ा वाला लेंगे तो थोड़ा सा पीस मतलब दरदरा बारीक करना पड़ेगा, तो हमने छोटा वाला ही लिया है। तो इसको हमने कटोरी में डाल लिया है बाउल में, और दो कटोरी साबूदाना मैं ले रही हूँ, एक कटोरी और डाल दिया, और उसको अच्छे से धुल लेते हैं। अच्छे से वाश करने के बाद इसका सारा पानी छान के इसको रख दूँगी। तो इसको हमने अच्छे से पानी निकाल के इसको रख दिया है, और ढक के 5 घंटे के लिए रख देती हूँ। अब हमारा साबूदाना बिल्कुल फूल के तैयार हो गया है। तो देखिए कुछ इस तरह होना चाहिए, जब हम इसको थोड़ा सा मसलें तो बिल्कुल आटा के जैसा बन जाता है। तो समझ लीजिए कि हमारा बिल्कुल साबूदाना फूल चुका है, क्योंकि इसको पकाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो ये अच्छे से फूल गया है। अब हमने इधर पैन चढ़ा दिया है, और इसमें डालती हूँ घी 1 से 1.5 चम्मच, और ये हमने काजू बादाम किशमिश और ये खरबूजे का बीज लिया है, पाउडर शुगर। खरबूजे के बीज को सबसे पहले मतलब धीमी आंच पे इसे चटकने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो उसे हमने निकाल लिया, और हमने काजू बादाम किशमिश को डाल दिया, जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप डाल सकते हैं अपनी पसंद का। तो बस इसे भी हल्का फ्राई करके बस निकाल लेती हूँ। तो सारे ड्राई फ्रूट हमारे फ्राई हो गए हैं। अब पैन में डालूँगी घी 2-3 चम्मच, इसमें घी पहले से ही था और हमने इतना, आप इसमें घी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो बस इसको हम हल्के से फ्राई कर लेंगे, जब तक कि इसका थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, हम छुएं तो जो आटा जैसा हो रहा था वो नहीं, हल्के से सॉफ्टनेस हो जाती है, आटा नहीं बनता बल्कि दबने लगता है। तो ज़्यादा देर तक नहीं, बस थोड़ी देर ही फ्राई करने से ये अच्छे से पक जाता है, क्योंकि इतना फूला हुआ होता है। और इसमें हमने पाउडर शुगर डाल दिया है, पाउडर शुगर हमने लिया था 1.5 कटोरी, 2 कटोरी साबूदाना तो 1.5 कटोरी पाउडर शुगर, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। हमने धीरे धीरे ऐड करते हुए इसको मिला लिया है, और थोड़ा सा मेरा पाउडर शुगर मिक्स करने के बाद ड्राई फ्रूट्स को भी मिक्स कर लेती हूँ, और फिर इसमें डालूँगी इलायची पाउडर अच्छी खुशबू के लिए। तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अगर ज़रूरत पड़े इसमें, तो आपको लगे कि ड्राई हो गया है तो थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं, तो हमने थोड़ा सा दूध भी इसमें ऐड किया है। तो देखिए अभी थोड़ा सा ऐसे भी बन सकता है, लेकिन मुझे लगा कि ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए, तो थोड़ा सा देखिए हमने ढक के भी पकाया तब भी सॉफ्ट लगा, तो थोड़ा सा दूध डालती हूँ क्योंकि चिपके नहीं पैन में। और आप दूध ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कुछ नहीं होता, बहुत अच्छे से बनकर तैयार होता है। बस दूध डालने के बाद उसको सुखाना होता है, बस दूध को, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो लीजिए हमने उतार लिया है, थोड़ा सा 2-4 चम्मच दूध डाला था हमने बस, और ये बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब इसका लड्डू बना लेते हैं, बहुत ही सुंदर लड्डू टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो हमने ये व्हाइट वाले लड्डू बनाए हैं, और अगर आपको कलरफुल चाहिए तो थोड़ा सा फूड कलर डाल सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा फूड कलर ऑरेंज कलर का बनाऊंगी, ये व्हाइट वाले बहुत ही अच्छे लगते हैं लड्डू, बहुत ही खाने में स्वादिष्ट और सुंदर भी लगते हैं, और बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते हैं। अगर दूध की ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं, बिना दूध के भी बनता है, तो कुछ भी कच्चा नहीं रहता है। बस किसी को ड्राई नहीं पसंद है तो दूध डाल सकते हैं, और ड्राई भी पसंद है तो ऐसे ही खा सकते हैं। तो हमने हल्का सा फूड कलर लिया हुआ है, और इसको अच्छे से मिला लेती हूँ, क्योंकि कलरफुल हर चीज़ जब देखने में अच्छी लगती है तो उसको खाने का मन करता है। तो देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है इसका, और इसका भी अलग से लड्डू बना के रख लेती हूँ। तो बहुत ही टेस्टी लड्डू बनते हैं ये, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए मैंने अपने सारे लड्डू बना के रख लिए हैं, और जैसे लग रहा है मोतीचूर के लड्डू हैं, और खाने में उतने ही अच्छे और मतलब बहुत ही टेस्टी होते हैं ये। तो आप बताइए मुझे कैसा लगा, और ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसको बनाते टाइम एक चीज़ का वो जो ट्रिक है वो मैं बता रही हूँ। तो उसके लिए जो हमने बताया दूध आप ऐड कर सकते हैं, दूध के बिना भी बहुत ही टेस्टी बनता है। मैं तो 2-3 चम्मच दूध ऐसे ही डाल दी थी कि थोड़ा चिपके नहीं, बाकी कुछ नहीं, दूध के बिना भी अच्छे बनते हैं।
तो बहुत ही टेस्टी लड्डू बनकर तैयार हुए हैं ये, इनको खाने का जल्दी से मन कर रहा है और बहुत ही अच्छे लड्डू हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको बेइज्जत मंजू में बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।